हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स, जो कि एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का डेली वीकली एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे हम कुछ स्विंग ट्रेड शेयर करते हैं, कुछ इंट्राडे ट्रेड्स हम देते हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पेनी शेयर्स और लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छे शेयर्स जो है उनका एनालिसिस हम यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए शेयर करते हैं। तो अगर आप चैनल पे अभी तक अगर नए हो या ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो ये मेरे चैनल का इंटरफेस है, ये वाला गोल्डन बुल्स नाम से। तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। सॉरी। तो आज हम जो है ट्राइडेंट शेयर जो है इसका एनालिसिस करने वाले हैं। आज मैं यहाँ पे एक तारीख डाल देता हूँ, तो एनालिसिस का डेट हमें पता चले फ्यूचर में। आज तारीख है 4 जनवरी 2024। ये आज तारीख है जिस दिन हम एनालिसिस अपना कर रहे हैं इस स्टॉक के बारे में। यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ, तो आने वाले कुछ दिनों में जब फिर से एनालिसिस हो तो समझ में आए कि इस दिन हमने ये वाला एनालिसिस किया था। तो पहले फंडामेंटल थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि स्टॉक क्या कर रहा है अभी फ़िलहाल। अगर यहाँ पे देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, प्रमोटर जो है इसमें 73.19% प्रमोटर के पास होल्डिंग है इस शेयर का, जो टाइटन शेयर है। एफआईआई जो है उनका जो होल्डिंग था थोड़ा सा घट चुका है, जो कि 2022 में 3.17% था, वो घटकर अभी 2023 में जो है 2.56 है। लेकिन फिर भी ये अच्छा होल्डिंग्स है उनका। एफआईआई के डीआईआई के पास 0.5% का है, और पब्लिक के पास जो है सिर्फ 23% के अराउंड होल्डिंग्स है, अदर के पास 1.25। तो जिस भी शेयर में प्रमोटर के पास होल्डिंग ज़्यादा होती है तो वो एक अच्छी बात मानी जाती है। ये मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी। अभी जो शेयर जो है कंसोलिडेशन कर रहा है, अभी ये हो गई फंडामेंटल बात, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा इसके, क्योंकि अभी शेयर जो है कंसोलिडेशन पैटर्न ही फ़िलहाल है बहुत दिनों से। और इसका मार्केट कैप अगर देखेंगे तो सिर्फ कहने के लिए ये 35 से 40 रुपए का शेयर है, लेकिन ये मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 19.19 करोड़ 391 लाख ये इसका मार्केट कैप है। तो ये स्टॉक पेनी स्टॉक नहीं है, एक बहुत ही अच्छा बड़ा वाला शेयर है, जो कि सबको इसके बारे में पता है। तो ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं ट्राइडेंट के बारे में, इसके फंडामेंटल्स के बारे में, क्योंकि फंडामेंटल भी ये काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग शेयर है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, जो कि अभी कंसोलिडेशन फेज़ में है। तो मैं ज़्यादा जो है टेक्निकल पे फोकस करता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल्स जो है आपको सिर्फ मार्केट कैप वगैरह या शेयर में कितनी ताकत है वो बताता है, लेकिन जो फंडामेंटल है वो आपको बाय कहाँ पे करना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है या एग्जिट पॉइंट कौन सा है, ये आपको फंडामेंटल्स नहीं बताएंगे। उसके लिए आपको टेक्निकल ही देखना पड़ेगा। तो मैं टेक्निकल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अदर देन इसके मुकाबले, फंडामेंटल के मुकाबले में टेक्निकल ज़्यादा फॉलो करता हूँ, क्योंकि टेक्निकल मुझे बताता है प्राइस, मतलब इसका सीधा सा मतलब यह है कि मैं प्राइस रीड करता हूँ, ज़्यादा प्राइस एक्शन पे मैं फोकस करता हूँ। तो प्राइस मुझे ऑलरेडी सब बता देता है कि स्टॉक में फंडामेंटल कैसा है। ये अगर चार्ट रीडिंग आप जानते होंगे तो जानते होंगे कि फंडामेंटल से ज़्यादा मतलब देखना ज़रूरी है फंडामेंटल्स भी, लेकिन प्राइस एक्शन मोस्टली काम ज़्यादा करता है, क्योंकि वो बताता है आपको बाय कहाँ करना है और सेल कहाँ पे करना है या एग्जिट पॉइंट कौन सा है या कोई शेयर कब भागने वाला है। ये चीज़ें जो है आपको टेक्निकल ही बताएगा, चार्ट ही बताएगा। तो मैं चार्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, इसलिए मैं टेक्निकल्स ज़्यादा देखता हूँ।
तो टेक्निकली अगर देखेंगे तो इम्पोर्टेंट लेवल जो होने वाला है अभी ये ट्राइडेंट का, ये मंथली वाला चार्ट मैंने लगाया हुआ है। तो अगर देखेंगे ये वाला जो है यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है मार्केट के लिए, ट्राइडेंट के लिए। तो 27 25 से लेके 27 35 25 से लेके 33 तक ये जो है इसका बाइंग जोन होने वाला है। ये भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ एक बार, बाय जोन, ये इसका बाय जोन होने वाला है। ये वाला यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ बाय जोन। तो यहाँ पे जो है आप अगर खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हो, जितनी ज़्यादा दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद में अगर ब्रेकआउट देगा ये शेयर, तो ये काफ़ी अच्छा तगड़ा रिटर्न आपको दे सकता है। ये लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ कि आप इसे यहाँ पे ले सकते हो। और जितना इसके नीचे भी अगर आता है इस लेवल पे, जो कि 20 रुपये का लेवल है, यहाँ पे भी अगर आता है तो भी आप इसे खरीद सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। तो आप इसे बाइंग कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो है आप धीरे 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 एक्यूमुलेट कर सकते हो, जब तक आपको ये नीचे के प्राइस में मिल रहा है। एक बार जब भाग जाएगा ऊपर जाएगा तो सारे न्यूज़ चैनल्स में आ जाएगा कि अभी ब्रेकआउट हो गया है, अभी बाय कर सकते हो। टॉप पे बाय करोगे वहाँ से फिर करेक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस ब्रेकआउट के बाद लिया होगा शायद यहाँ पे। तो यहाँ पे वो लोग जब नीचे आ रहा है तो फंस चुके होंगे, तो वो सोच रहे होंगे यहाँ पे अभी क्या करें, बहुत दिन से यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, ये अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे जहाँ पे इसका, जहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल से लेके यहाँ तक, तो ये 0.786 से लेके 0.618 का जो लेवल आ रहा है यहाँ पे उसने होल्ड किया हुआ है। एक काफ़ी अच्छा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है, ये जो लेवल होता है 786 और 618 का, ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट का काम करता है किसी भी शेयर के लिए। तो इसके अगर ऊपर के टारगेट अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट निकल के आ रहे हैं जो मैंने मार्क किए हुए हैं। ये इसका फर्स्ट टारगेट होने वाला है, एक मिनट मैं इसे मार्क कर देता हूँ, जो 75 रुपीज़ है। इसका सेकेंड टारगेट होने वाला है 87 रुपीज़ का, उसका थर्ड टारगेट इसका होने वाला है 103 का, और ये अपना ऑल टाइम हाई जब ब्रेक करेगा तब की बात है। और इसका फोर्थ टारगेट जो है 126 का, ये टारगेट जो है आने वाले कई कुछ सालों में हमें देखने मिल सकते हैं। तो इस शेयर को मैं लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म आप इसे देख सकते हो। लेकिन हाँ, डिस्क्लेमर दे दूँ, ये कोई भी बाय और सेल का जो है सजेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा एनालिसिस है, जिसे आप अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। किसी भी स्टॉक को अगर आपको बाय सेल करना है तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे उसकी सलाह से ही बाइंग और सेलिंग आप कर सकते हो। ये सिर्फ एक एनालिसिस वीडियो है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर वीकली भी अगर देखेंगे आप, तो वीकली में भी यहाँ पे इस लेवल पे जो है 33 का जो लेवल है यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है और यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाले दिनों में इसका अगर ब्रेकआउट होता है, ये जो 43 का लेवल है, 43 से लेके 44 लेवल, ये अगर ब्रेकआउट करेगा तो फर्दर टारगेट हमें ये वाले देखने मिल सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और कुछ अच्छी कंपनी का शेयर अगर आप ढूंढ रहे हो, तो ये एक आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा और तगड़ा रिटर्न आपको आने वाले कुछ सालों में दे सकता है। तो आप इसे एनालिसिस करके आप इसे अपने पोर्टफोलियो में सजा सकते हैं। तो ये था टाइडेन लिमिटेड का एनालिसिस, आज के लिए इतना ही। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम डेली निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लेवल्स जो है प्रोवाइड करते हैं। इंट्राडे में कुछ ट्रेड्स होते हैं जो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होते हैं,
तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो ये जो राइट हैंड कॉर्नर में जो आपको QR कोड दिख रहा है, ये मेरे चैनल का है, टेलीग्राम चैनल का। इसे आप स्कैन करके, अपने मोबाइल से स्कैन करके आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो हमें जो भी मैं लेवल्स प्रोवाइड करूँगा तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। और जो भी स्विंग ट्रेड्स होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म स्विंग्स होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म स्विंग्स होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पे कुछ लेवल्स होंगे, तो इम्पोर्टेंट लेवल जो होते हैं डेली मार्केट के, उसके एनालिसिस भी हम डालते हैं। और कुछ पेनी स्टॉक जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसके एनालिसिस वीडियो भी हम डालते हैं अपने चैनल पे। तो अभी तक अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है इस चैनल को, तो चैनल को ज्वाइन करो और टीम गोल्डन बुल्स को सपोर्ट करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आने वाले कुछ दिनों में मैं डेली कोशिश करने वाला हूँ कि डेली एक एनालिसिस वीडियो में डाल पाऊँ किसी स्टॉक का, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो, चाहे मल्टीबैगर कुछ फाइंड आउट करना हो। तो एक बहुत ही जल्द, एक 12 साल जिसने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया है, उस स्टॉक का मैं एनालिसिस डालने वाला हूँ, उसके बाइंग लेवल डालने वाला हूँ, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं वो मैं डालने वाला हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन शेयर होने वाला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके टीम गोल्डन बुल को जो है आप ग्रो करने में हेल्प करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।